मुझे लगता है कि तुम इस शादी को चलाना ही नहीं चाहते। कोई भी पार्टनरशिप एक पार्टनर नहीं चला सकता। यह पार्टनरशिप नहीं है, रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता है, जिसे तुम पार्टनरशिप का नाम दे रही हो। रिश्ते विश्तों के दौर गए बिलाल साहब। एक बिजनेसमैन का किसी से रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस का होता है। मैंने तो अपने तजर्बे से यही सीखा है। अजीब लड़की हो तो। मर्दों की जब किसी लड़की पे अपनी मर्जी नहीं चलती तो उसे अजीब ही कहते हैं। आप कोई नई बात नहीं कर रहे। आखिर तुम चाहती क्या, मुझे आराम से खुलकर बताओ। एक औरत क्या चाहती है? तुम अपनी बात करो। मैं अपनी बात ही कर रही हूं। तुमने खुद शादी की बात की थी मुझसे। हाँ की थी, और अगर आप नहीं करना चाहते थे तो आप इनकार कर देते। मैं तुमसे प्यार करता था। बहुत ही मैच्योर किस्म के जज्बात हैं आपके। मैं एक मैच्योर आदमी हूं। मुझे तो इन दोनों में से कुछ नजर नहीं आया, ना ही आपकी मैच्योरिटी और ना ही किसी किस्म की आत्मीयत। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। जब आप में बात करने का हौसला नहीं है तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि तुम आखिर चाहती क्या हो। हम इस रिश्ते को किस तरह बचा सकते हैं? रिश्ता बचाने से ज्यादा अहम होता है उसे चलाना, और जो चीज मुसलसल खतरे में रहे उसे कब तक बचाया जा सकता है? पता नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। मैं जो कहना चाहती हूँ आप समझना नहीं चाहते। सबसे पहले तो आप अपने जहन को क्लियर करें। कैसे कैसे क्लियर करूं अपने जहन को? वेरी सिंपल। आपकी शख्सियत में तीन चीजें गड़बड़ हो गई हैं। एक बिजनेस, दूसरी बकौल आपके आपकी मोहब्बत, और तीसरी रिवायती शोहर होने का एहसास। पहले तो इन तीनों को अलग अलग करें और किसी एक बात पे रहते हुए मुझसे आके बात करें, साफ और दो टूक बात। सारे मसले भी हल हो जाएंगे। कभी अचानक से आपकी मोहब्बत जाग जाती है, कभी बिजनेस के तकाजे आपको आ घेरते हैं, और कभी आप रिवायती शोहर बन के गन गरज के साथ मुझ पर बरसने लगते हैं। ऐसे तो कोई बात तय नहीं होगी। क्यों लफ्जों की गुमनगिरियों से मुझे चकरा रही है? तुम विक्रमा साहब का बहुत असर हो गया। उन्हीं के असर से तो मैं यहां तक पहुंची हूं। मुझे तो तुमने चकरा के रख दिया। मियां बीवी सिर्फ मियां बीवी होते हैं, दैट्स इट। यही से तो हमारा इख्तलाफ शुरू होता है। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। आपने कभी कोई शीशे की चीज खरीदी है? उसकी पैकिंग पे लिखा होता है हैंडल विद केयर। हर आर्टिस्ट के माथे पे यही टैगलाइन लिखी होती है, जिसे नजर आ जाती है वो उसे हैंडल कर लेता है, और जो नहीं देख पाता बिलाल साहब वो आपकी तरह हमेशा तिलमिलाता रहता है। मामा पार्टी की तैयारी हो गई? हाँ, बस जूसेस के अलावा तुम्हें तो पता है सब बच्चों की अलग अलग पसंद है। प्रॉब्लम समझे सॉल्व। टैंग, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल और लेमन पेपर का ऐसा रियल फ्रूटी टेस्ट जो बन जाए हर बच्चे का फेवरेट। टैंग के इतने फ्लेवर्स, तुम्हारी मामा के पास फ्लेवर की फैक्ट्री है क्या? टैंग फन के चार फ्रूटी फ्लेवर्स। Mobile Internet.
पलक झपकने से भी तेज। अब जदीद तरीन नए नेटवर्क के साथ और भी बेहतर, पूरा सिग्नल पूरा पाकिस्तान। जी उठो अब कुछ करो, इस शहर बनी को लगाना का जी उठो अब कुछ करो। वहशी को सकून से क्या मतलब, वहशी को सकून से क्या मतलब, जो का नगर में नहीं है। यहाँ बैठे हुए कह रहा नहीं है, मैं खुद से आगे बता कर सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अजीब लड़की है वो, इतनी मुश्किल से लड़कियों को कामयाबी मिलती है और हमें बेफजूल से आदमी के साथ शादी कर लेती है। फजूल तो आप कह रहे ना सर, उसके लिए वो पता नहीं किस कदर अहमियत रखता हो। ओए तुम खालदा की वकालत कर रहे हो? सर मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। बात क्यों कर रहे हो भाई तुम, हद हो गई, जाके कोई काम करो। ओए उसके बाप से बात क्यों नहीं कर लेते? सर वो हमारे दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। और नहीं नहीं उसे दाना डालो और उसके बाप से उसकी बेटी के बारे में कुछ बुलवाओ। आइडिया अच्छा सर। और आप आइडिया की तारीफ करते जाओगे या उस पर अमल भी करोगे? जाओ जाके पता करो। जी मैं जाता हूँ। और ठहरो, जाके पता करो कहीं ये चाल बिलाल की ना हो। और बिलाल हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसने बिलाल के चैनल के लिए गाया तो याद रखो मैं उसकी रेपुटेशन ऐसी खराब करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी ईमान से। जी सर मैं जाता हूँ। जाओ बिलाल। कानून क्या कर लेगा, दो चार पेशियों में वो लोग रिहा हो जाएंगे। काश काश मेरे दो तीन और भाई होते तो उनकी इतनी जुरत ना होती। सर हम ढूंढ रहे हैं उसे घर बैठे बैठे। वहां से उसका शनाख्ती कार्ड मिला है लेकिन उस पे जो एड्रेस लिखा है वो घर तो वो कई साल पहले बेच चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं खुद जाऊं फैसलाबाद। तू जफर के पीछे क्यों अपना आप हलकान कर रहा है? मुझे रातों को नींद नहीं आती, खून खोलता है मेरा। नहीं आप मुझे एक बात बताएं, उसको कुछ कहने में आपका दिल क्यों टूटेगा? बल्कि आपको तो खुशी होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में किसी एक का नुकसान होता है। तो इसके लिए कानून मौजूद था, इमरान ढूंढ रहा था ना उसे, उसे अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचाकर तुझे क्या हासिल हुआ बोल? अगर वो मर गया और तू फांसी चढ़ गया तो क्या होगा अंजाम इस इंतकाम का? जफर, जफर अपने अंजाम को पहुंच गया। क्या जफर मर गया? शहजादे, शहजादे। जी जी बुड्ढा भाई, कपड़े प्रेस करा के लाया हूँ स्पेशल शहजादे के लिए। आज ये पहन ले और ये शेव शू भी बनवा इमाम से। तेरा जोलिया देख के ना मेरा तो सैड गाना गाने को दिल करता है। ये दुनिया रहे बदल ले तुम कपड़े। ये हुई ना बात, कई दिन हो गए घर से कोई नहीं आया। दिल छोटा ना कर शहजादे, अब ये वक्फा बढ़ता ही जाएगा। शुरू शुरू में जब बंदा यहाँ आता है ना तो सब आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में लग जाते हैं, फेरे शेरे काम हो जाते हैं, यहाँ कैदी को भूल जाते हैं लोग। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है। कोई ऐसे किसी के भी नहीं होते, पर ये जिंदगी बड़ी जालिम है, आगे लगा के रखती है सबको। इसके हाथ में छांटा होता है, छांटा छांटा।
हाँ झंडा नहीं जानता, और वो जो टांगा चलाने वाले कोच वालों के हाथ में होता है, हाँ चाबुक, जो खाम खाई घोड़े को मारता रहता है ताकि उसे याद रहे कि उसने अपनी मर्जी नहीं करनी, बस चलते रहना है चलते रहना है। मैं समझा नहीं। समझ जाएगा, अभी एक छांटा बड़ा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगा। सुबह चल, खैर छोड़ो ये कपड़े बदलो।